आ जाऊं। नानू के साथ गलत हो गया, पड़ेगा आना पड़ेगा। ना कुछ नहीं खरीद पाए क्योंकि पैसा नहीं है। तो आपने हमारा पहला व्लॉग देखा होगा। तो पिछले व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं बल्ली मरान की गलियों में, मिर्जा गालिब साहब की हवेली पर। वहां से हम जाएंगे फिर चांदनी चौक की गलियों में। तो आइए आप चलिए हमारे साथ। पर हम वेलापंती कर रहे हैं, यही तो मजा है जिंदगी का। लोगों को काम करता हुआ देखिए, खुद कुछ मत करिए। पहचान लिया है भाई ने हमें, ये भी व्लॉग ही बन रहा है। और भी जाइए, अगर हम कभी कहीं भी जाते हैं वो एक आध बंदा पहचान ले तो दिल को खुशी होती है कि हाँ आज यहाँ भी टिक लग गया कि हाँ पहचान लिया, भाई ने पहचान लिया, खुशी हो गई, काम बन गया। और इस रास्ते को जल्दी निकालना था तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। जितना धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ही ये गलियाँ तंग होती जाएंगी। सही जा रहे हैं ना बल्ली मरान? बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं, रास्ता पूरा गलत है। बेड़ा गर्क हो गया हमारा, कम से कम आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते। गूगल मैप ने हमारा साथ छोड़ दिया। जब गली सांप बनने लगे तो समझ जाइए आप बल्ली मरान पहुंच चुके हैं। आइए बल्ली मरान की गली। पापा जी तुम्हारी तरह एक्टिंग करूं भाजी? करामा जी पाजी, वो दिल्ली की क्या की पेचीदा गलियों में आवे पाजी, वो गलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो समझो बल्ली मरान आ गया। क्या खूबसूरत गेट यार, दरवाजा है। ये तार देख रहे हैं आप अजीम साहब, ये दरवाजे देख रहे हैं आप अजीम साहब, ये तार और दरवाजे, ये अभी भी याद दिलाते हैं उस वक्त की हमें। क्यों अजीम साहब क्या कहते हैं? वही तार तो है, वही देखिए दरवाजे कुंडे डाल के वो दो नंबर। हाँ दो नंबर से लाइट देखिए, दो नंबर से तो नहीं चलती होगी लाइटिंग। अजीम साहब ये दरवाजे देखिए एक नजर, आप दरवाजे देखिए क्या बात है इन दरवाजों की। अजीम भाई देखिए दरवाजे आपको देखने मिलेंगे आज की दुनिया में। शाहजहां कहीं रहते थे। पैसा बहुत, कितने वाला ले लिया भैया? 20 वाला, तुम पेमेंट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। 35 वाला भी तो था, 35 वाला क्यों नहीं लिए? बढ़ाइए झगड़िए मत बढ़ाइए। और ये बल्ली मरान की गलियों का जाम, शूटिंग नहीं हो रही है भाई, मेरा ब्लॉग बन रहा है। शूटिंग हो रही क्या? शूटिंग नहीं हो रही है भाई, ब्लॉग बन रहा है भाई। सलमान खान है क्या भाई? सलमान खान है। और ये हम तेज चलते हुए फाइनली आ गए मिर्जा गालिब साहब की हवेली। आइए आपको दिखाते हैं। पूछते हैं वो गालिब कौन है, कोई बताए कि हम बताएं क्या। ये गालिब साहब के कपड़े हैं, ये गालिब साहब का मुजस्मा बनाया गया है, ये उनकी किताबें उनके हाथ से लिखी हुई, कोई दूसरा सूट है, जुमिया कुर्ता है, जुमिया कुर्ता है उनका, स्पीकर है उनका, म्यूजिक सुना रहे थे। तो कहते हैं कुंडिया, कुंडिया जब हम पहले के जमाने में एंटर किया करते थे घर में तो ऐसे आ जाओ तो आते थे। आइए ये एसी का पाइप है, जब गालिब साहब ने एसी लगवाया होगा तो शायद। जहाँ तक मेरा अंदाजा कहता है ये चेस है। चेस नहीं, ये वो टोटका होता है काला, जोड़ कर तस्वीर बनाई गई है जो आजकल के जमाने में आप लोग खेलते हैं, तो ये उस वक्त भी खेला गया होगा मेरी नजर में। गालिब साहब का लोटा, गालिब साहब की पतीली, कांसा, पानदान, ग्लास, छोटा कांसा। मैं डर के रह गया उधर देखा, जब मैंने नजर पड़ी मेरी हवा हो गई अभी इन्हें देख के। गालिब साहब का मुजस्मा बनाया गया, मुझे लगा कौन है। और ये इसमें गालिब साहब अक्सर पर्दे मेरे ख्याल से उस जमाने की उसी टाइम के हुए पर्दे, रोशनदान जो खुले हुए हैं उस वक्त में, शायद से ये छत ढकी हुई नहीं हो, ये टंकी टोंटी लगवाई हुई है, नल जो है ये उसी टाइम का है, ये बाद का है, उस वक्त अरे बहुत पुरानी बात है, उस वक्त टोंटियां नहीं हुआ करते थे, नल हुआ करते थे। मैं गलत कह रहा हूँ बच्चों? वीडियो बाइक चलवा रहे हैं उस वक्त, नल हुआ करते होंगे, टोटियां तो नहीं होंगी, ये तो हमारे टाइम में खोला पी गए उस तक, तो गुस्तुक गुस्तुक है, तो वो है कहाँ? गालिब साहब को उखाड़ के लेके चलाया, आप में से किसी ने कभी नल चलाया? साबुनदानी रखी हुई है, ये इसी के काम आया करती होंगी उस वक्त, उसी टाइम की, उसी वक्त। जैसे सपोज गालिब साहब अपना चार्जर यहाँ रखा करते होंगे, एयरपॉड्स अपने। झूठे मौसम, टोटी नहीं थी मगर चार्जर था। जैसे यहाँ गालिब साहब ने अपने स्नीकर्स रख लिए, गालिब साहब ने अपने ट्राईपॉड रख लिए जिसमें वो शायरियाँ शूट करते थे। यहाँ मेरे ख्याल से गालिब साहब ने एक एलईडी लगवाई होगी जहाँ पर वो न्यूज़ वगैरह सीरीज वगैरह देखा करते होंगे, जहाँ गालिब साहब ने लैला मजनू देखी होगी। ये इसको कहते हैं ताक, तो इसमें मेरे ख्याल से गालिब साहब ने लैपटॉप रख लिया करते होंगे, अपनी घड़ियाँ। ताक नहीं कहते, ताक कहते हैं यही तो सोच रहा है। तो गालिब साहब का आईफोन वगैरह यहाँ रखा होता होगा। अरे
एयरपोर्ट्स वगैरह ये रखे होते होंगे। नहीं ये चीज है ना, ये क्या, ये चेस है, ये तो हमने शूट कर लिया, ये चेस है। गालिब साहब अपने फ्रेंड सर्कल में चेस खेला करते होंगे। तो मेरे ख्याल से यही गालिब साहब की हवेली बहुत खूबसूरत है, जितना हम एक्सप्लोर करने की कर ली। क्या है ये फैन तो अभी लगवाया गया है? अरे उसी टाइम का है ये सर। इस छत में आप बैंड देख रहे हो वसीम साहब? हाँ देखा मैंने। हाँ क्या वजह है इसको देखने की? मुझे नहीं, कोई वजह नहीं, अब देखा हो गया, चले रोक दूँ। हाँ खुराफाती मोहसिन, खुराफाती मोहसिन करके नाम है मेरे चैनल का, जहाँ ये व्लॉग आएगा देखिएगा। हाँ खुराफाती, ये तो बदतमीज है। हाय बोल दो कैमरा में जाने से पहले। बाय बच्चों। और जी अब हम आ गए चांदनी चौक की गलियों में, चांदनी चौक की सड़कों पे। तो आइए अब हम दिखाते हैं आपको चांदनी चौक। नहीं वो मूड नहीं है। और अजीम भाई को जो भी कोई चीज मिल जाए वो खाने रहती है उनको। और जब इनको जैसे ही पता चला कि 10 रुपए की नहीं देंगे तो इनका मुंह बन गया। कितने की दे रहे हैं भैया ये? 20 रुपए की। देखिए इनका डगमगा गया पूरा बजट। खानी पड़ रही है इनको खीले 20 रुपए की, तो खाइए अब मजे करिए। तुम्हें ही चुनती ना, तुम्हें ही चुनती ना। सच्चे अजीम, लालची चुलबुले अजीम, चुलबुले अजीम, नियत खराब अजीम। का मैंने आपसे जिक्र किया चांदनी चौक, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है, चांदनी चौक की मार्केट। यहाँ पर आपको कपड़ों से लेकर के, जूतियों से लेकर के, जूतों से लेकर के और बहुत सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और बहुत अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े आपको मिलेंगे यहाँ पर। ट्रेडिशनल सामान आपको मिलेगा यहाँ पर। एथनिक चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। अरे भाई साहब देखिए, धक्का मत दीजिए भाई साहब। और यहाँ पर देखिए शॉपिंग चल रही है। और यहाँ अक्सर आपको ये कबूतर मिल जाएंगे इसी तरह दाना चुगते हुए। और लोग खूबसूरत लोग इनको दाना इस तरह से डालते हैं, अमरीश पुरी की तरह इनको बुला सकते हैं। आओ आओ। बाइक्स और स्कूटियां इतनी तेज चला रहे हैं लड़के कि भाई जैसे कि उड़ा ही देंगे। और यहाँ रिक्शे ऐसे चला रहे हैं लड़के, बाइक के उड़ा ही देंगे। यहाँ से आपको मिलेगा ये है भाई साहब, वो इसको कहते हैं चाट, काहे की किस चीज़ की चाट तो है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो चीज़ थी मैं खा चुका हूँ पहले, इसको कहते हैं दौलत की चाट, दौलत की चाट। और ये ऐसे होती है अजीम साहब, जैसे चीनी में चीनी को झाग बना दिया। ओहो। और मैंने एक कटोरी खाई थी जिसमें 5-6 चम्मच खाए होंगे मैंने अजीम साहब, 80 रुपए की। अरे तो मैं क्या, व्लॉग बनेगा बनेगा मैं, लेकिन हमने ऐसे दिखा दिया भाई, हमें नहीं खानी। क्यों अजीम भाई, हम लोग जेन्युइन है, जो जेन्युइन लोग हैं भाई हम लोग। पैसा तो है हम पे अंधा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फजूल खर्च नहीं करते हम, फजूल खर्च जेन्युइन नहीं करते हैं। और ये है पराठे वाली गली, आपने नाम सुना होगा पराठे वाली गली का, फेमस पराठे वाली गली है ये, पराठे वाली गली लिखा है। तो कभी आइएगा तो पराठे ट्राई करिएगा, हमने करे थे एक बार, 300 रुपए का पराठा था और था उसमें कुछ नहीं। तो ये फेमस होगा अपने लिए, हमने तो खाया था भैया, 300 रुपए में खाऊंगा मैं 3-5-6 दिन पराठे अपने मोहल्ले के, महंगे थे। भैया क्या नाम आपका? राजू। क्या करते हैं भैया आप? कार चोप का काम है। कार चोप का काम है, कितना कमा लेते हैं महीने का? 1.5 लाख। 1.5 लाख कार चोप का, सोने का कार चोप का काम है क्या आपका? सोने का तार बनते हैं क्या? आपसे ले रहे हैं पैसे। ये आपके चश्मे पे भी सोने का तार तो नहीं पड़ा हुआ है कहीं? ये तो नहीं है, ये तो 1.5 लाख रुपए कैसा कमा रहे हैं? शक्ल तो आपकी 150 रुपए वाली है। और ये देखिए इंडियाज गॉट टैलेंट में जाएगा ये लड़का। इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं, बिक्शो, बिक्शो है जो भी। WWE का। कैसा लग रहा है आपको चांदनी चौक की गली में घूमकर? खुश तो बिल्कुल नहीं हूंगा। क्यों? अच्छा लगा। अच्छा लगा? थक क्या गए? क्या मिल गया ऐसा अच्छा लगा तुम्हें? यार तो पूछता क्यों है। नहीं करी मैंने प्रैक्टिस। सर आपको कैसा लगा चांदनी चौक की गलियों? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत सारी शॉपिंग करने की कोशिश की, लेकिन अपनी जेब को देखा तो कुछ नहीं खरीद पाए क्योंकि पैसा नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं भी कह सकता था। थोड़ा फेमस है ये यहाँ पर, इसीलिए इतनी भीड़ आप देख रहे हैं। यहाँ की जो टिक्की है वो बहुत फेमस है, तो लेकिन हम टिक्की नहीं खाएंगे क्योंकि उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। हम खाएंगे यहाँ के दही बल्ले। मैं लेकर आता हूँ भाई दही बल्ले, एक लाऊं दो लाऊं? एक ही लिया है। तू रिकॉर्ड कर लेना जब मैं लेके आऊंगा। अरे बहुत है इसके पास भाई। ये है नटराजन के दही बल्ले, आइए इनको ट्राई करते हैं। सब बातें छोड़, एक ही चम्मच क्यों है? सॉरी मैं भूल गया। रस भरे रसीले आमों से बना, दिल खोल देगा आपका, ठंडा कर देगा आपके दिल को। वाह। तो नटराजन के बराबर से गली हमें लेके जा रही है मेट्रो स्टेशन, वहां से पकड़ के मेट्रो को हम पहुंच रहे हैं घर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इसे सब्सक्राइब कर दीजिए यानी चैनल को, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टैंग।